हेलो फ्रेंड्स, यूट्यूब के इस डेरा टेक नाइन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है गिरीश कुमार भाटी और आप देख रहे हो बेसिक सीरीज का वीडियो नंबर 33 और एक्सपोनेंट का वीडियो नंबर 4। आज हम बात करेंगे एक्सपोनेंट के कुछ कॉम्प्लेक्स रूल्स के बारे में और उनको कैसे अप्लीकेबल करते हैं, वो भी हम इस वीडियो के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमने कुछ फार्मूलेज लिख के रखे हैं और उस राइट हैंड साइड के अंदर उस फार्मूले को कैसे अप्लीकेबल करना है वो भी हम आपको बताएंगे। हम पहले फार्मूला का डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे फ्रैक्शन दिया हुआ है और फ्रैक्शन की पावर x है, तो ये पावर दोनों के फ्रैक्शन के दोनों नंबर के पास जाएगी। यहाँ पे a रेस टू x हो गया और b रेस टू x हो गया। सेकंड बात करेंगे, यहाँ पे फ्रैक्शन है a और b, और a रेस टू m है और b रेस टू m है, मतलब दोनों फ्रैक्शन के अंदर जो नंबर्स हैं न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर दोनों के पास सेम पावर है, तो आप उस पावर को बाहर ले सकते हो। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, जब किसी फ्रैक्शन की पावर माइनस में होती है तो, और माइनस में होने के साथ साथ अगर पावर वन होती है, तो आप उस फ्रैक्शन को क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे, मतलब उसका रेसिप्रोकल कर दोगे। फिर जब किसी फ्रैक्शन की पावर माइनस में होती है और पर्टिकुलर वन के अलावा और कुछ नंबर होता है, तो आप क्या करोगे, माइनस में होने की वजह से आप उस नंबर को क्या कर दोगे, रेसिप्रोकल कर दोगे। यहाँ पे a ऊपर है तो यहाँ पे a नीचे आ गया, और b ऊपर है, b नीचे है तो b ऊपर आ गया। ये कब करना है कि जब पावर आपको माइनस में दिखाई दे तब। एज इट इज पावर तो वही की वही रहने वाली है, मगर ये माइनस है तो माइनस की साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, पावर को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो पावर को नहीं, फ्रैक्शन को हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो इस रूल को हम कैसे यूज करेंगे, अभी आप इस आंसर में देखो। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है 4/3 raised to 2, तो एक फ्रैक्शन को पावर मिली हुई है तो पावर क्या करेंगे, दोनों फ्रैक्शन के पास लेके जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, यहां पे ये पावर है दोनों के पास जाएगी, तो ये 4/2 और 3/2 हो जाएगा। फिर यहां पे टू बाई थ्री है और दोनों के पास सेम पावर है, तो हम क्या करेंगे, 2/3, जैसे आपने देखा ये वाला फॉर्मूला हम यूज करते हैं, a रेस टू m, b रेस टू m था, दोनों के पास सेम पावर थी, तो हम क्या करेंगे, दोनों के पास सेम पावर है तो पावर को हम ऊपर ले लेंगे। फिर यहाँ पे 4/9 raised to -1 है, तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे हम एप्लीकेबल करेंगे, जब किसी फ्रैक्शन की पावर माइनस में होती है तो वो फ्रैक्शन है वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर आप यहाँ पे पावर वन भी लिखते हो तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो मैं इसको क्या करता हूँ, रेसिप्रोकल कर देता हूँ 9/4, और इसकी पावर क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और रेसिप्रोकल करने से पावर है वो प्लस में हो जाती है, और हमेशा हो सकता है, इतना कोशिश करें कि आप जब भी सॉल्यूशन करें किसी भी क्वेश्चन का तो पावर आप प्लस में करें। नेक्स्ट यहां पे फिर से देखो, 5/7 की पावर माइनस में आ रही है, तो हम पहले क्या करेंगे, उसको रेसिप्रोकल करेंगे ताकि पावर हमारी प्लस में आ जाए और ये पावर 3 एज इट इज हो जाएगी। फिर नेक्स्ट बात करेंगे, 2/3 raised to 0 है, हमने पिछले वाले वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी किसी नंबर की पावर 0 होती है, चाहे वो नंबर माइनस में हो, प्लस में हो या फ्रैक्शन में हो, तो हम क्या करते हैं, उसका आंसर क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। यहां पे देखो आखिरी वाला क्वेश्चन, 2/7 है और उसकी पावर 5 है और उसकी पावर 0 है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे पावर ऑफ पावर का रूल लगाएंगे। जब किसी नंबर के पास दो पावर होती है, मतलब पावर ऑफ पावर होता है, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन होता है, तो यहां पे मैं सॉल्व कर रहा हूं 2/7 raised to 5 into 0। जब किसी नंबर का मल्टीप्लाई 0 के साथ होता है तो आंसर क्या आता है, 0 आता है, तो 2/7 raised to 0। जब किसी नंबर की पावर, जैसे ये देखो ये क्वेश्चन बिल्कुल 2/7 है, उसकी पावर 0 हो जाएगी, तो जब किसी नंबर का पावर 0 होता है तो आंसर क्या हो जाता है, 1। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो के अंदर एक्सपोनेंट के कुछ बेसिक रूल्स डिस्कस किए। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम पावर का एडिशन, पावर का सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, मल्टीप्लाई के अंदर, डिवीजन के अंदर,
जब बेस सेम होते हैं तो क्या करना है, बेस डिफरेंट होते हैं तो क्या करना है, वो वाले रूल्स हम नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।